तो सर जैसे कोई भाई अगर स्टार्ट करना चाहता है, आपने जैसे पहले ही बताया, तो जॉब के साथ भी इसको स्टार्ट कर सकता है? हाँ, जॉब के साथ आराम से कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बाहर जॉब करते हैं तो वो अपना सुबह जाने से पहले अपना दाना पानी दे या तो फ्री रेंज में छोड़ दे, और घर के आदमी आराम से देख सकते हैं। जैसे मैं बाहर जॉब करता हूँ, जॉब क्या है जो है मेरा खुद का जो है कॉन्ट्रेक्टर रूम है, बाहर काम चलता है और घर के बच्चे हमारे देख रेख करते हैं, इसके ऐसे कोई समस्या आती नहीं है इसमें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये क्या जगह है सर? सर ये पड़ता है ग्राम गंगानगर है, पोस्ट हमारा पड़ता है ब्रजघाट, तहसील गढ़मुक्तेश्वर और जिला हापुड़ में पड़ता है ये। जी तो सर आपने मुर्गी पालन का क्यों सोचा? मुर्गी पालन के इसलिए सोचे हैं कि जो है बाहर काम करने से अच्छा घर में जो है घर के बच्चे भी पाल लेते हैं मुर्गी पालन जी। एक काम से एक बिजनेस से होता नहीं है, तो घर में जो रहते हैं वो भी आसानी से इसको पाल लेते हैं, इसलिए ये मुर्गी पालन सोचे हैं जी। तो ये है कि मतलब फैमिली का कोई भी बंदा इसको, हाँ, आप अगर बाहर हैं कहीं हैं, हाँ, तो उसको आप आराम से पाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो कौन सी सर ये ब्रीड है जो मैं देख रहा हूँ? ये WFG के ब्रीड है सारे, जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, इसके मीट और अंडे दोनों के लिए पाल सकते हैं जी। तो सर ये बताइए आपने कब स्टार्ट किया और कितने बर्ड से आपने स्टार्ट किया था? मैं इन्वेस्टमेंट आया था 7-8 महीने हो गया था, मैं 200 बर्ड से स्टार्ट किया था जी स्टार्टिंग में। अब फिलहाल टाइम में मेरे पास ये 550 बच्चे हैं फिलहाल, और हर महीने में ये लोट निकलता रहता हूँ, छोटे बच्चे लाते रहते हैं। तो अब तक आपका जो है बिकता रहता है और माल आता रहता है बिकता रहता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये बताइए जब आपने स्टार्ट किया था कितनी पूंजी लगी थी आपको इसमें? मेरे इसमें पूंजी सेट बनाने में लगभग 8-10 हज़ार रुपये सेट में खर्च हुए थे जी। बाकी जो है बच्चे लाए थे, उनके फीड वीड लाए थे, लगभग वो 25-30 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो गया था मेरा। देख रहा हूँ सर शेड जो आपने काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी और काफ़ी सस्ती आपने बनाई। हाँ, बहुत ही कम कॉस्टली का शेड है ये, और इसमें गर्मी भी बहुत कम है, आप देख ही रहे हो यहाँ पर गर्मी महसूस ही नहीं हो रहा है उतना की गर्मी है बाहर, लगभग मेरे ख्याल से 35-36 डिग्री टेम्परेचर है, मगर यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है। तो सर चिक्स का क्या रेट है सर, किस रेट पे आप चिक्स लाए थे? चिक्स का लाए थे हम जो है 25 रुपये से लेके 32 रुपये तक का प्राइस पड़ जाता है जी, कम बढ़ता रहता है चिक्स का रेट। हाँ हाँ हाँ। तो कभी सस्ते मिल जाते हैं 25 रुपये, कभी ज़्यादा हो जाता है तो 35 रुपये तक के चिक्स का रेट है मार्केट में। तो सर आप भी प्रोवाइड कराते हैं क्या चिक्स? अगर कोई भाई लेना चाहता है, हाँ, अगर कोई भाई लेना चाहे, अगर 10 दिन का चिक्स लेना चाहे, 15 दिन का लेना चाहे या 1 महीने का चेक्स लेना चाहे, तो हम आराम से प्रोवाइड करा देते हैं उनको जी। तो सर ये बताइए आपने अंडे के लिए रखे हुए या मीट के लिए हैं? ये तो जो है हमारा जो है सेल आउट, हर 2 महीने में 15-20 दिन में हम सेल आउट करते रहते हैं, हम भी इसी को अंडे के लिए अभी रखे नहीं है जी, रखने का मौका ही नहीं मिला कि बच्चे आते हैं बड़े होते हैं 1.5-2 महीने। अच्छा, इतनी आपकी डिमांड है? जो है डिमांड इतनी है कि वो सेल आउट होता रहता है, इसलिए अंडे के लिए पर्पस के लिए हम अभी रख नहीं पाए इसको जी। जी तो सर ये बताओ 1 kg तक एक कितना दाना खा लेता है? अगर आप कंपनी का फीड खिलाओगे तो इसमें लगभग 1600 ग्राम तक दाना, 1400 से 1600 ग्राम तक दाना खा लेते हैं। अगर जो है नेचुरल फीड खिलाओगे, हरा चारा, फिर ये सर मैं तो देख रहा हूँ आपको तो नेचुरल ही है ज़्यादातर ये। नेचुरल, हाँ, ज़्यादातर जो है फ्री रेंज में ज़्यादातर 15 दिन तक हम ब्रूडिंग में रखते हैं, उसके बाद 15 दिन बाद हम धीरे धीरे इनको जो है कंपनी का फीड देना बंद कर देते हैं, हरा चारा, फिर ये घर का बचा हुआ वेस्ट वगैरह इन्हीं से जो है हम पालते हैं। तो आपने आपका जो खेत है उसमें भी आप उगाते होंगे? हाँ, वहाँ भी आप शाम को भी छोड़ देते हो? हाँ, शाम को हम छोड़ देते हैं, आप देख ही रहे हो लगभग 1-1.5 बीघा जगह है बाहर जी, हम इसको जो है छोड़ देते हैं, वो अपना इसमें वो चुपके रहते हैं और आराम से दिन भर अपने चुपके रहते हैं जी। शाम को थोड़ा बहुत इनको जो है पौष्टिक खाना दे देता हूँ, बाकी वैसा कुछ देता नहीं हूँ दिन भर में, थोड़ा बहुत वही घर का जो है वेस्ट हो गया और हरा चारा जी। सर अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कितने बर्ड से करें मिनिमम और उसको कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी? अगर कोई भाई अगर करना चाहे तो मेरे हिसाब से तो 100-150 बर्ड से स्टार्टिंग कर ले अपनी, और मेरे हिसाब से तो अगर जो है कहीं पर 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं तो उससे तो बहुत ही बढ़िया ये बिजनेस है, 100-150 बर्ड पालो, अगर उसके साथ नौकरी करना चाहे तो वो भी कर लो आराम से, इसको घर के आदमी पाल सकते हैं, घर के बच्चे देखभाल कर सकते हैं, सुबह अपना दानी पाना लगा दिया। और तो कहने का मतलब ये है कि नौकरी करने से 10-15 हज़ार की नौकरी करने से बढ़िया है, हाँ, बढ़िया गांव में रह के, गांव में रह के शहर ना जाए, गांव में रह के इसको स्टार्ट कर सकता है, कर सकते हैं। अगर कोई भाई शहर का भी करना चाहे तो भी वो अपने छत पे कर सकता है, मैं स्टार्टिंग में अपने मकान में किया था जी, छत पे किया था आपने? हाँ, मैं अपने छत पे किया था स्टार्टिंग,
तो उसके बाद हम जो है फार्म बनाए। धीरे धीरे जब हमारा जो है प्रोग्राम बड़ा हो गया है तो छत पे हम ज़्यादा बच्चे पाल नहीं सकते हैं, एरिया थोड़ी कम थी छत में, तो फिर भी हम जो है 200 बच्चे छत में शुरू में पाले थे। तो सर ये बताइए कि एक बर्ड से कितना प्रॉफिट आता है, कितने का दाना खा लेती है? एक बर्ड से अगर हम जो है कंपनी के फीड खिलाते हैं तो लगभग जो है चिक्स का रेट और ये मेडिसिन वगैरह मिला के 90 से 95 रुपये तक कॉस्टिंग आते हैं एक बच्चे के। जी अगर आपका मार्केट सही है तो मेरे हिसाब से जो है 1 किलो 1.25 किलो का बच्चा 200 प्लस में ही जाता है। जी तो फ़ायदा है इसमें। तो इसमें बहुत बढ़िया फ़ायदा है, कोई नुकसान का वो कुछ है नहीं। और इसमें सबसे बढ़िया बात तो इसमें जो है बीमारी कम है, इसमें बीमारी कुछ है ही नहीं। अगर देखभाली कुछ अच्छे से किया जाए तो बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। जी सर मार्केटिंग की क्या समस्या है आपको? मार्केटिंग की समस्या तो हमें अभी तक आया नहीं है, जो है सेल आउट होता रहता है, जो आसपास के कटर हैं वो लेके जाते हैं हर हफ्ते। आपको आपके फार्म से ही उठा लेते हैं? वो फार्म से उठा के ले जाते हैं, आसपास में जो 4-5 कटर हमने जो है सेट कर रखे हैं वो आते हैं, वो लेके जाते हैं। सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपको कितना प्रॉफिट इससे अब तक हो चुका है और कितने समय में? हमें प्रॉफिट के 25-30 हज़ार रुपये मंथली प्रॉफिट है इसमें। बचा लेते हैं आप? बचा लेते हैं। कितने बर्ड्स हैं सर? ये लगभग बर्ड्स तो गिना चुना क्या है, वही माल बेचते हैं, जाते हैं, आते रहते हैं। अब इसमें जब देखे कि जो माल ख़त्म होने वाला है तो 200-300 बर्ड चिक्स लाते हैं, पालते हैं, बड़े करते हैं, फिर आता रहता है, यानी कि ख़त्म नहीं होने देते इनको। अभी फ़िलहाल 550 बच्चे हैं हमारे पास। जी जी तो सर ये बताइए अंडा देना कब स्टार्ट करता है, कब तक देता है? ये 140 दिन से अंडे देना चालू कर देते हैं और लगभग 200 से 250 अंडे ये दे देते हैं। सर ये बताइए आपने देसी मुर्गी का ही चुनाव क्यों किया, कड़कनाथ भी है बॉयलर भी है? देसी मुर्गी का चुनाव हमने इसलिए किया, इसमें जो है कम कॉस्ट में और कम टाइम में ये जो है अच्छा बॉडी वेट गेन कर लेता है, इसी वजह से जो है हमने WFG का ही चयन किया है। और इसमें कोई बीमारी, सबसे बढ़िया तो इसमें आसान ये है कि बीमारी कम है इसमें। जी इसमें बीमारी नहीं है इसीलिए सबसे बढ़िया है ये, और कम टाइम में जो है अच्छा प्रॉफिट। रफ एंड टफ है? हाँ, कहीं बाहर छोड़ सकते हैं, अपने आप खा सकता है। हाँ हाँ, जल्दी बॉडी वेट बढ़ जाता है, जल्दी बॉडी वेट गेन करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो सर जैसे कोई भाई अगर स्टार्ट करना चाहता है, आपने जैसे पहले ही बताया, तो जॉब के साथ भी इसको स्टार्ट कर सकता है? हाँ, जॉब के साथ आराम से कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बाहर जॉब करते हैं तो वो अपना सुबह जाने से पहले अपना दाना पानी दे या तो फ्री रेंज में छोड़ दे, और घर के आदमी आराम से देख सकते हैं। जैसे मैं बाहर जॉब करता हूँ, जॉब क्या है जो है मेरा खुद का जो है कॉन्ट्रेक्टर हूँ मैं, बाहर काम चलता है और घर के बच्चे हमारे देख रेख करते हैं इसके। जी जी, ऐसे कोई समस्या आती नहीं है इसमें। तो सर अगर किसी के पास खेत खलिहान ना हो, अपनी ज़मीन ना हो, तो छत पे कैसे कर सकता है वो थोड़ा बताइए, शेड वगैरह किस तरह से बनाए? छत पे आराम से जो है 10x20 का जो है एक शेड बना ले अपने लोहे जाली से या तो टीन से, ऊपर चादर डाल के उसमें आराम से 250-300 बच्चे आराम से पाल सकते हैं उसमें। इसकी हम अगर कोई भाई जो है पूछना चाहे, जानना चाहे, उनको हम बहुत ही कम कॉस्ट में जो है अच्छा प्रॉफिट का जो है शेड बनवा देंगे कि उसमें ज़्यादा बच्चे आ जाए कम जगह में, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर उनको छत में भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और किस तरह से हम मदद कर सकते हैं सर आप उनकी? मदद हम उनकी ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई भाई आपके YouTube के माध्यम से अगर आना चाहे, देखना चाहे, हम उनको यहाँ पर रह के फ्री ट्रेनिंग भी दे देंगे, इनकी बीमारी के लक्षण भी बता देंगे कि बीमारी कैसे आते हैं और इनकी पहचान क्या है, हम जितनी हमें पता है हम उतनी जो है उनको बता देंगे। तो आप पूरी हेल्प करने के लिए? पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है अगर कोई भाई करना चाहे तो। और क्या क्या आपको इसमें समस्याएं आ रही हैं? समस्या इसमें वैसे कुछ आ ही नहीं रहा है, मगर समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर लाइट की बहुत ही समस्या है, लाइट नहीं है हमारे पास, तो गर्मी के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हमें होती है इसमें, बाकी पर्दे वगैरह निकाल देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। जी सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जैसे आपने भी यूट्यूब से देख के स्टार्ट किया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बस अफवाह है, यूट्यूब पर ऐसा दिखाते हैं ऐसा दिखाते हैं, कमाई इसमें नहीं है। नहीं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं उन भाइयों को जो ऐसा सोचते हैं? वो जो ये सोचते हैं कि इसमें कमाई नहीं है, यूट्यूब वाले ऐसे ही दिखाते हैं, वो गलत दिखाते हैं, गलत बताते हैं, जो देखने वाले होते हैं वो गलत बताते हैं कि इसमें कमाई बहुत अच्छी है। अगर कोई करना चाहे यूट्यूब के माध्यम से तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रॉफिट है, अपने आराम से कर सकते हैं उसको। जी ये गुमराह करने वाली बात है कि जो इसमें कमाई नहीं है अब्बा है वैसा कुछ, मतलब इतना भी नहीं है कि लाखों करोड़ों की कमाई है, आराम से अगर एक सैलरी जो है, एक सैलरी अच्छी खासी प्रॉफिट है सैलरी के हिसाब से अपना हो सकता है घर बैठे बैठे 25-30 हज़ार रुपये महीने का आराम से कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं शायद तो। जी धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद।